नमस्कार, मैं उदय चौहान फिर हाजिर हूँ अपराधनामा की नई कड़ी के साथ। आज की खबरों का आगाज करेंगे हम एक चौंकाने वाली उस सनसनीखेज वारदात से जिसमें एक शख्स अपने लिए पहले दुल्हन खरीद कर लाता है, शादी के दिन ही दुल्हन भाग निकलती है, फिर खुलासा होता है एक हैरत अंगेज मामले का। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके से एक औरत की खरीद फरोख्त का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले का चौंकाने वाला पहलू यह है कि 35,000 में खरीदी गई दुल्हन शादी के दिन ही ससुराल से भाग निकली। हालांकि भाग रही दुल्हन को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, मामला पुलिस तक पहुंचा, मगर पुलिस यह कहकर अपना दामन बचा रही है कि किसी ने कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया तो कार्रवाई कैसे करें। यह पेचीदा मामला कटेसर गाँव का है। बताया जाता है कि रकम लेकर दुल्हन बेचने वाला यह है गिरोह है जो पहले लोगों को अपने जाल में फंसाता है, रकम लेकर दुल्हन बेचता है, फिर खरीदी गई दुल्हन मौका पाकर ससुराल से भाग निकलती है। खरीदी गई दुल्हन लखीमपुर जनपद की बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो कटेसर का पंकज उसका पांचवा शिकार था। थाना प्रभारी हरगांव ब्रजेश कुमार त्रिपाठी पहले तो मामले से अनजान बने रहे, फिर कहा कि औरत अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए कह दिया कि उसकी जहां मर्जी जाए। पुलिस ने इतना कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, मगर यह हैरतअंगेज मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि जिस शख्स ने 35,000 रुपए में अपने लिए दुल्हन खरीदी उसका रकम भुगतान करते वीडियो और दुल्हन के रिश्ते में ननद बताई जा रही एक महिला का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए वायरल वीडियो और सुनिए महिला का बयान। बताओ क्या हुआ था, कैसे क्या मामला हुआ? गाड़ी में तीन लोग रहे। अच्छा, जिनका आप लेटरिन ले गए रहो वो आपके लिए रिश्ते में का लगत रहे? हमें रिश्ते में कोई ना रहा, उनका उस तरफ लाई गई रहे आप। भाभी नहीं है? अच्छा, शादी हुई गई रहे तो रिश्ते में कौन रहे तुम्हारी? यहाँ से ना भाभी रहे। अच्छा, कब शादी हुई रहे इनकी? आज ही शादी हुई रहे। जयमाला पड़ गई करा। जयमाला जब पड़ा रहे तो कोई लोग रहे, प्रधान जी या कोई भी और लोग? अच्छा, कहाँ पर भाई रहे शादी? बुद्ध विहार स्थान पर। हाँ, अच्छा, ये कटेसर में पड़ते हैं। और आपके साथ हम कौन कौन रहे? हमारी चाची रहे। अच्छा, रामपुर मथुरा थाना इलाके के भागीपुर गांव से सोमवार रात एक प्रेमी युगल के गायब होने पर हड़कंप मच गया। प्रेमी और प्रेमिका के एक ही गांव के होने से तनाव उत्पन्न हो गया। लड़की के पिता ने मामले की तहरीर रामपुर मथुरा पुलिस को देते हुए प्रेमी श्यामू पर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया। हरकत में आई पुलिस ने प्रेमी युगल की तलाश शुरू की। मंगलवार की भोर लड़की को पड़ोसी जनपद बाराबंकी से बरामद कर लिया गया। रामपुर मथुरा पुलिस ने लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है, जबकि फरार प्रेमी की तलाश जारी है। शहर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एएसपी व सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाने को लेकर किया गया। इसके अलावा मोहली और महमूदाबाद में भी फ्लैग मार्च हुआ। मोहली में सीओ अमन सिंह व कोतवाल अनूप शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस तथा केंद्रीय रिजर्व बल ने पूरे नगर में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत देते हुए क्षेत्रवासियों को चुनाव में शांत व्यवस्था बनाए रखने के साथ छोटी से छोटी सूचनाएं भी पुलिस को देने की बात कही। इस दौरान SSI सुरेश यादव, कस्बा इंचार्ज विजय मिश्रा, SI राकेश सिंह, अमित पांडे आदि मौजूद थे। हरगांव थाना क्षेत्र के पिपरा घूरी निवासी सोनेलाल पुत्र लालता प्रसाद अपने दोस्त को मोबाइल खरीदवाने हरगांव आया था। वापस जाते समय फिरोजपुर के पास तेज रफ्तार बाइक
बेकाबू होकर सड़क के किनारे लगे खंभे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएससी हरगांव से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने इलाके से चेकिंग के दौरान कुल 1085 लीटर अवैध शराब तथा 10 भट्टियां बरामद की हैं। मौके से 45 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त मोहम्मद इब्राहिम पुत्र वहीद निवासी भट्टा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त त्रिलोकी प्रसाद पुत्र राम खिलावन निवासी वारिस अली पुरवा को मौलाना कॉलेज रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की है। थाना खैराबाद पुलिस ने वारंटी छोटू पुत्र बनवारी पासी निवासी चिलवारा, राहुल पुत्र रामस्वरूप निवासी बधौना तथा रजनीश पुत्र शिवराज निवासी गुलराजपुरवा संदना पुलिस ने वारंटी लाला व गुड्डू पुत्रगढ़ गंगा प्रसाद निवासीगढ़ मिर्जापुर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने वारंटी संजय सिंह पुत्र वीरेन सिंह निवासी तेंदुआर लहरपुर पुलिस ने वारंटी रामस्वरूप पुत्र खटाई निवासी कुटी फरीदपुर नमिसाण पुलिस ने वारंटी बाबूराम पुत्र खरगी निवासी लालपुर व द्रगपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी छोटी गौरिया और महमूदाबाद पुलिस ने वारंटी शिवकुमार पुत्र रामसनेही निवासी लैलखुट को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। तो ये था हमारा आज का अपराधनामा। दर्शकों से अनुरोध है कि अपराधनामा को बेहतर बनाए जाने को लेकर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।